नमस्कार, मैं हूं भारत योगी। आई एम एन बी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं पत्थलगढ़ की। पत्थलगढ़, पत्थलगढ़ी एक ऐसी समस्या है। बात करने जा रहे हैं पत्थलगढ़ी की, जिसे पत्थलगढ़ भी कहा जा रहा है, पत्थलगढ़ी भी कहा जा रहा है। पूरा प्रदेश पत्थलगढ़ी के मामले को लेकर गंभीर है। सरकार और प्रशासन भी गंभीर है, लेकिन आदिवासी समाज का ये कहना है कि पत्थलगढ़ उनकी पुरानी परंपरा है। पत्थलगढ़ ग्राम सभा के अनुमति लेकर ही आप उन गांवों में प्रवेश कर सकते हैं जिन गांवों में जनजाति समाज रहता है। इसलिए पहली दृष्टि में कहीं भी ये गलत नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये नारा लग रहा है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, पत्थलगढ़ का ही आदेश का पालन होगा, तो यह समस्या अब चिंता का विषय हो गया है प्रशासन में बैठे लोगों के लिए। हम आदिवासी समाज की बात सुने और उन्हें माने तो उनका पक्ष सुनने से ऐसा लगता है कि वो अपने हक की बात कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक और समाज के दूसरे वर्ग का बात सुने तो लगता है कि पत्थलगढ़ एक अलग इलाका, एक अलग सरकार, अलग ऐलान करने का एक प्लान नज़र आ रहा है। वहीं आदिवासी समाज के लोग, सनातन समाज, आदिवासी सनातन समाज का एक मंच है जो ये कह रहा है कि ये ईसाई मिशनरियों की चाल है। ईसाई मिशनरी चाहती है कि वो जनजातियों का धर्मांतरण करे, उन्हें ईसाई बना दे और अलग राष्ट्रांतरण की बात हो भविष्य में, क्योंकि हम मानते हैं मतांतरण ही राष्ट्रांतरण है। और इस राष्ट्रांतरण को लेके पूरा देश इस मामले में चर्चा कर रहा है कि पत्थलगढ़ क्या है। क्या ईसाई मिशनरी की चाल है या माओवादियों की चाल है, या फिर आदिवासी जो कह रहे हैं वो सच है और वो अपनी समस्याओं को लेकर पत्थलगढ़ बनाए हैं। यह चिंता का विषय है, सोचने का विषय है और समझने का विषय है कि आखिर पत्थलगढ़ की नौबत क्यों आई। क्या पत्थलगढ़ के पीछे कोई बहुत गंभीर साजिश है? राष्ट्र विरोधी ताकतें पत्थलगढ़ के पीछे काम कर रही है, लेकिन अब दोनों ही तरफ से विरोध शुरू हो रहा है। पत्थलगढ़ के समर्थन में भी लोग हैं तो पत्थलगढ़ के विरोध में भी लोग हैं। अब जानना यह है कि पत्थलगढ़ क्या वाकई राष्ट्र के लिए हित में है या आदिवासी समाज के हित में है, या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्र और आदिवासी समाज के लिए यह एक माओवाद और नक्सलवाद की तरह है। यह सोचना और समझना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला विकराल रूप लेने वाला है और पत्थलगढ़ की आवाज़ सरगुजा, जसपुर के साथ साथ बस्तर में भी उठने में देर नहीं लगेगी। इसकी कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही कि बस्तर शांत है और बस्तर में पत्थलगढ़ की बात नहीं होगी। बस्तर में भी पत्थलगढ़ की बात होगी, अगर इसे सही समय पर रोका नहीं गया और समझाया नहीं गया तो इसके दुष्परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। पत्थलगढ़ी का विदेशी षड्यंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्थलगढ़ी का विदेशी षड्यंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के 2002 के निर्देशों का पालन करो, पालन करो, पालन करो। 2002 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो, पालन हो, पालन हो। धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण बंद हो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण बंद हो, बंद हो, बंद हो। अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेना बंद हो, बंद हो, बंद हो। अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेना बंद हो, बंद हो, बंद हो।